नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, अर्थात उनका अभ्यास करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के द्वारा जो अब मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी विभिन्न पदों के लिए, जिसके लिए प्रारंभिक परीक्षा अभी संपन्न कराई जा चुकी है, तो उस मुख्य परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से आरओ और एआरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए भी प्रश्न इसमें रखे गए हैं। मैंने इस वीडियो में लिए हैं ऐसे प्रश्न जैसे कि विधानमंडल, जो राज्यों का विधानमंडल है उसके गठन और उनकी कार्य प्रक्रिया से संबंधित, ठीक है, और भारत के संविधान के मुख्य प्रावधान, इस तरह के प्रश्न लेने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस उपलब्ध हैं। सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और वन लाइनर टेस्ट भी चैनल पर कराया जाता है, आप उसका लाभ उठाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब व किसकी अध्यक्षता में की गई? तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी 1902 ईस्वी में, और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। किसकी अध्यक्षता में? थॉमस रैले। क्वेश्चन नंबर टू, नील दर्पण के संपादक कौन थे? तो नील दर्पण के संपादक थे दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर थ्री, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर फोर है, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? 16 महाजनपदों में से एक जनपद वज्जी महाजनपद था, इसकी राजधानी थी वैशाली। या ऑप्शन में यदि विदेह दिया हो तो विदेह भी इसका आंसर होगा। ठीक है, वर्तमान में यह कहाँ है? बिहार में, मुजफ्फरनगर के आसपास का जो क्षेत्र है वो जो है वैशाली के अंतर्गत उस समय में, प्राचीन समय में आता था। क्वेश्चन नंबर फाइव, कौशीतकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कौशिक की ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है? दुर्भिक्ष अर्थात अकाल की जानकारी, दुर्भिक्ष कहते थे अकाल को। ठीक है, तो सोहगोरा स्तंभ लेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। सोहगोरा कहां पर है? यह गोरखपुर के पास है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जहां पर ये स्तंभ लेख है वह गोरखपुर के पास स्थित है, कुछ दूरी पर राप्ती नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेवन, अग्निवेदिका का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रश्न में इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आ, आ, किस सिंधु कालीन या सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से, किस स्थल से अग्निवेदिका या अग्निवेदियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है कालीबंगा। ठीक है, और लोथल से भी इसका प्रमाण मिलता है। यदि ऑप्शन में दोनों दिए हों तो दोनों ही आंसर होंगे। ठीक है, वो तो ऑप्शन जिस तरह से दिया होगा उस तरह से आंसर आप टिक करेंगे, लेकिन यदि ऑप्शन में लोथल है, कालीबंगा नहीं है, तो लोथल भी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से निकलती है कावेरी नदी? तो यह निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर टेन, तिलैया बांध किस नदी पर अवस्थित है? तिलैया बांध, तो यह स्थित है बराकर नदी पर। किस राज्य में है यह बांध? यदि ऑप्शन में राज्यों के नाम दिए हों तो राज्य का नाम है झारखंड,
झारखंड में है तिलैया बांध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, शिपकीला पर्वतीय दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो शिपकीला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे और सभी प्रमुख दर्रे जो है याद होने चाहिए, शिपकीला दर्रा, जोजिला दर्रा, माना दर्रा, ठीक है, नाथुला और अन्य प्रमुख दर्रे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, माउंट अकोंकागुआ किस देश में अवस्थित है, या माउंट अकोंकागुआ किस देश में अवस्थित है, ठीक है। तो यह अर्जेंटीना में अवस्थित है। कहां पर? अर्जेंटीना। किस देश में है यह? अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 13 है, भातखंडे संगीत संस्थान कहां स्थित है एवं इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, और इसकी स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी में, और इसको अब जो है विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वो दिया जा चुका है, विश्वविद्यालय घोषित किया जा चुका है इसको भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, वर्ष 2000 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बंगलुरु में, कर्नाटक राज्य में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सिराको किस प्रकार की स्थानीय पवन है एवं किस क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित करती है? तो सिराको किस प्रकार की स्थानीय पवन से तात्पर्य है, अर्थ है कि गर्म पवन है या ठंडी पवन है, तो ये गर्म पवन है सिराको, और ये विशेष रूप से इटली में जो है बहती है या इटली को प्रभावित करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अब सामान्य विज्ञान से प्रश्न है, माइक्रोफोन के द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस स्वरूप में होता है? या इस तरह से पूछ सकते हैं कि माइक्रोफोन जो है ऊर्जा को किस स्वरूप में जो है ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण करता है, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अर्घ किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो अर्घ मात्रक है ऊर्जा का, किसका? ऊर्जा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 18, फेल्सपार किस धातु का अयस्क है? तो फेल्सपार अयस्क है एल्यूमिनियम का, किसका अयस्क है ये? एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। इस प्रक्रिया में कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं और उनके ऊपर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है जिससे कि कृत्रिम वर्षा होती है। सभी प्रमुख जो यौगिक हैं रासायनिक यौगिक, उनके साधारण नाम क्या होते हैं, उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है? बोरेक्स, इसको बोरेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के पहले या आगे बन जाता है, रेटिना पर नहीं बनता है, ठीक है, जिससे कि निकट दृष्टि दोष की जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, रेड रॉट रोग किस फसल में होता है या किसकी फसल में होता है? तो ये गन्ने की फसल में होता है रेड रॉट रोग, ठीक है, गन्ने की फसल से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 23, दुग्ध के प्रोटीन के पाचन में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने में सहायता करता है, रेनिन एंजाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, यकृत में बनने वाले हेपेरिन प्रोटीन का मानव शरीर में क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है हेपेरिन का? रक्त का थक्का जमने से रोकना, ठीक है, ब्लड को जमने से रोकना। और यकृत में इस तरीके से भी इस प्रश्न को पूछ सकते हैं कि हेपेरिन प्रोटीन मानव शरीर के किस अंग में बनता है? तो आंसर होगा यकृत में। या पूछ सकते, या जैसे इसमें पूछ लिया है कि हेपेरिन प्रोटीन का मानव शरीर में क्या कार्य है, ठीक है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है?
तो यह कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में, ठीक है। अब ये जो पॉलिटी से प्रश्न है, इंडियन पॉलिटी से, ठीक है। और जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय का, उसमें सिलेबस में आप देखिएगा मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय का जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है मुख्य परीक्षा का, उसमें विधान मंडलों के गठन और उनकी कार्य प्रक्रिया का एक अलग से जो है उसमें टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। तो उससे कुछ प्रश्न लिए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन एवं समाप्ति किस प्रकार की जा सकती है? तो किसी राज्य में विधान परिषद का जो सृजन है अर्थात विधान परिषद का गठन करना और उसको समाप्त करना, दोनों ही जो है वो संसद के द्वारा किए जा सकते हैं, लेकिन कब? जब राज्य की विधानसभा उसके संबंध में संकल्प पारित करे, तब संसद के द्वारा जो है ये विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है और उसको समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में किस विषय से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 131 किस विषय से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यह जो है अनुच्छेद 31 में दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 173 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 173 में, 173। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिनों तक, 14 days, ओके? अब आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है, किसी राज्य का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे सामान्य अध्ययन के, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को, और उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी उसकी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। RO/ARO की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लोअर PCS के एग्जाम की तैयारी के लिए या अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें सामान्य अध्ययन करंट अफेयर्स के प्रश्न पाठ्यक्रम में पूछे जाते हैं, पाठ्यक्रम में है उस परीक्षा के, तो आप उसकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।